रम्बेर र्याङ थानामा महिला पुलिस ब्यारेक बनेपछि कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षकद्वारा गरियो उद्घाटन। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. कालेबुङ जिल्ला बनेपछि पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले 24 फरवरी 2023 रम्बी र्याङ पुलिस स्टेसन आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्दै उद्घाटन गरिएका थियो। यसरी यस समयदेखि नै रम्बी र्याङ थानामा प्रथम ओसीको पदभार सम्हालेर आएका ओङचुक लेप्चाले राजमार्ग 10 ड्रग्स गिरोह अनि चोरहरूलाई पक्राउ गर्नका साथै स्थानीय जनताको हितमा धेरै नै असल कार्य गर्दै आइरहेका छन्। यसरी राजमार्ग 10 आउटपोस्टबाट पुलिस स्टेसन बनेपछि धेरैवटा थानामा चाहिने सरसामानको अपुग रहेको थियो। तीमध्ये एउटा थियो महिला पुलिसकर्मी बस्ने ब्यारेक, अर्थात् महिला पुलिसकर्मी बस्ने घर। यसलाई लिएर पहल गर्दै थाना प्रभारी ओसी लेप्चाले महिला पुलिस बन्ने ब्यारेक निर्माण गरेपछि कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्री हरि पाण्डेको बाहुलीबाट ब्यारेकको उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटन समारोहमा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्री हरि पाण्डे, जिल्ला पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक सुभन मिता अनि पुलिस अधिकारीहरूको साथमा डुवर्स एक्सप्रेस एनजिओका संस्थापक सदस्य राजु नेपाली अनि आदिको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नेत्रालय उपकार फाउन्डेसनबाट निशुल्क आँखा जाँच शिविर राखिएको थियो भने नेत्र जाँच डाक्टर जयदीप दासले गरेका थिए। 50 भन्दा अधिक रोगीहरूले निशुल्क आँखा जाँच गराएका थिए। कार्यक्रममा सेवक रम्फू रेल परियोजना एचआरका अधिकारीगण, रम्बी थाना ओसी ओङचुक लेप्चा अनि मङपङ आउटपोस्ट ओसी कृष्ण पर्जा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा डुवर्स एक्सप्रेस राजु नेपालीले एसपीलाई प्रदान गरिएको वृक्ष रम्बी थाना परिसरमा कालेबुङ सुपरको बाहुलीबाट रोपण गरिएको थियो। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे जो आप जानते हैं यहाँ पे काम हो रहा है रेलवे का, उनके कोऑपरेशन से आईटीडीसी की जो संस्था है उनके हेल्प से यहाँ पर एक लेडी बैरक उन्होंने हेल्प किया बनाने में, ताकि हम महिला जो पुलिस पर्सनल है यहाँ आराम से रह सके जब ड्यूटी करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं को अगर रहना है थाना में, ड्यूटी करना है, उनको अच्छे से रहने का जगह चाहिए ताकि रात बिरात यहाँ पर अवेलेबल हो। अदरवाइज क्या होता है कि नहीं रहने की वजह से उनको घर पर रहना पड़ता है, तो उनके सब समय अवेलेबल रहने से पुलिसिंग करने में बेटर होता है। और तो रेलवे डिपार्टमेंट का सहयोग से बना रहा है सर? यस, उनके सहयोग से बना। ओके, थैंक यू।